हेलो गाइस स्वागत करता हूं आपका पाँचवा छठे में के मॉक टेस्ट में शूटर दादी पास अवे हो गई हैं रिसेंटली ये इनका जो अस्सी नाम है काइंडली आप बताएं अक्षय कुमार ने भी काफ़ी शोक प्रकट किया है इनकी मृत्यु पे शायद आपने देखा होगा हिंदी न्यूज़ में तो काइंडली आप मुझे बताइए तो शूटर दादी का जो नाम है जो पास अवे रिसेंटली हुई हैं उनका नाम है चांद्रो तोमर तो चांद्रो तोमर जी जो हैं वो पास अवे हो गई हैं रिसेंटली और ये एटी नाइन के अंदर पास ऑन हो गई हैं वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है उत्तर है इसका कि वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 ऑब्जर्व किया गया है मे चार को ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ताकि क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में पता लग सके डे सेलिब्रेट होता है पहले मंगलवार को ऑफ मे एवरी ईयर और इस साल ये चार मई को मनाया जा रहा है अस्थमा जो है क्रॉनिक लंग डिजीज़ है जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालती है इंडिविजुअल पे और डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में एक इंसान को ब्रीथ करने में ड्यू टू नैरो एयरवेज इन दी बॉडी किस कंपनी ने पार्टनर किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ ताकि वो वैक्सीन फाइंडर टूल लाएगी अपने मोबाइल ऐप में ये लोगों को बता सकेगी वो जगह है जहां पे वो इनॉक्यूलेट हो सकते हैं वैक्सीन से उत्तर है इसका कि ये किया है अनाउंस फेसबुक ने तो फेसबुक ने कहा है कि वो पार्टनर करेगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ टू लॉन्च आउट वैक्सीन फाइंडर टूल इन इट्स मोबाइल ऐप इन इंडिया यूएसए दस मिलियन का ग्रांट मिलेगा फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एफर्ट फॉर द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन इन द कंट्री ये ऑल्सो अलाउ करेगी यूजर्स को कि वो नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर लोकेशन देख सकें तो ये आप देख सकते हैं शिवराय टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीटेक कंपनी हैज रिसेंटली ज्वाइन हैंड विद विच एप्लीकेशन टू लॉन्च द बी टू सी फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन फार्मीजो खाता उत्तर है इसका योनो एस बी आई के साथ इन्होंने ये ज्वाइन हैंड्स किए हैं तो इन्होंने लॉन्च किया है बी टू सी फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन फार्मीजो खाता शिवराय ऑल्सो ओन्स द बी टू बी ब्रांड फार्म ई आर पी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज किया पेनल्टी तीन करोड़ की किस बैंक पर फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शन उत्तर है इसका ये की गई है आईसीआईसीआई बैंक पर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर तीन करोड़ का पेनल्टी लगाई है क्योंकि इन्होंने एक डायरेक्शन दी थी आरबीआई ने प्रोडेंशियल नॉम फॉर क्लासिफिकेशन की यह जुलाई एक दो को आई थी इसे इन्होंने भंग किया है कोल माइनर डे जो है वो कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है उत्तर है इसका कोल माइनर डे ऑब्जर्व किया जाता है मे चार को तो कोल माइनर डे जो है चार मई को ऑब्जर्व किया जाता है और अनसंग हीरोज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इसके अंदर आते हैं हार्ड वर्क उनका डिस्कस किया जाता है ये इंपॉर्टेंट बन गया कोल माइनर्स के लिए ये मनाना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट थे कोल माइनर्स और ये डेज ऑफ डिगिंग टनलिंग एक्सट्रैक्टिंग कोल करते रहते हैं इनकी वजह से बहुत सारे कारखाने जो हैं इंडस्ट्रियल टाइम रेवोल्यूशन के टाइम पे तो इन्हीं की वजह से चलते थे कोल माइनिंग टफेस्ट प्रोफेशन है और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कोल माइनर्स और इनके ऑनर किया जाते हैं अकम्प्लिशमेंट्स को among द फॉलिंग has been nominated as एथलीट ambassador फॉर द इंटरनेशनल Olympic Committee बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन aimed at preventing competition manipulation? उत्तर ऐसा कि ये जो बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन है इसके हेड होंगे पी वी सिंधु और मिशेला ली यानी कि ऑप्शन ए और बी करेक्ट आंसर है इसका मिशेला ली जो है वो हैं कैनेडा से और पी वी सिंधु इंडिया से हैं तो ये जो है ये बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन चलाएंगे ये जो कैम्पेन है ये रेज करेगा अवेयरनेस ऑन टॉपिक ऑफ कॉम्पिटिशन मैनिपुलेशन अमंग एंड फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल बताएं उत्तर ऐसा कि चार मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्क एंडल किया जाता है लाइन ऑफ ड्यूटी राइट सो आप देख सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर के किस स्टेट ने लॉन्च किया है और रतन लाल नाथ ने इस इनिशिएटिव के थ्रू स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकेंगे टुवर्ड्स बेटर लर्निंग आउटकम्स अगर उन्होंने बेंचमार्क परफॉर्मेंस अपना अचीव कर लिया है ठीक है तो ये 10 मिनट करिकुलम अलाइन हैं कंडक्टेड बाय करिकुल्डक्टेड ऐप पारुल देवी पास रिसेंटली फर्स्ट फीमेल आई ऑफिसर थे किस स्टेट की उत्तर बताइए तो उत्तर है ऐसा कि फर्स्ट फीमेल आई ऑफिसर थी असम की तो फर्स्ट असम की पहली आई ऑफिसर है पारुल देवी दास ये आप देख सकते हैं स्कम टू कोविड नाइनटीन सिस्टर थी फॉर्मल आसाम ची, चीफ सेक्रेटरी नाभा कुमार दास की इसके अलावा पहले ये सर्व की हुई हैं मेघालय के अंदर भी बिकॉज वो असम मेघालय कैडर आई एस ऑफिसर थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असम में ही पोस्ट से रिटायर हुई हैं कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं उनकी बेटी थी राइट सो यह आप देख सकते हैं शी वॉज बॉर्न एंड बॉटअप इन शिलोंग राइट द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ वन डिवाइडेड असाम रामनाथ दास उनकी बेटी थी मानस बिहारी बिहारी वर्मा पास है रिसेंटली ये कौन थे तो ये इसका आंसर है कि ये एक साइंटिस्ट थे और एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे मानस बिहारी वर्मा और की रोल इन्होंने प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर ये डाई हुए हैं हार्ट अटैक इन बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सेवेंटी एट ईयर्स के जरिए हो अमंग द फॉलोइंग है ट्वेंटी द 2021 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप उत्तर एस का मार्क सेल्बी ने ये विन किया है इस विन के बाद वो सिर्फ स्टीफन हेनरी स्टीव डेनिस और रोनियो सुविलियन से पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रूसिबल ट्रियम्स ये आप देख सकते हैं मार्क सेल्बी को ध्यान रहता है इससे जब हम वीडियो और ऑडियो दोनों देखते हैं जब हम पिक्चर्स देखते हैं टू बिटल स्पीसीज ड्राइविंग ऑन एनिमल डंग हैव बिन डिस्कवर्ड इन विद स्टेट तो इन्हें डिस्कवर किया गया है कहाँ पर तो इन्हें डिस्कवर किया गया महाराष्ट्र के अंदर तो ये एनिमल डंग के ऊपर है डिस्कवर किया गया पुणे और नासिक में जो ये बीटल्स हैं ये पहली बारिश के बाद पाए जाते हैं उसके अलावा ये प्लांट्स और क्रॉप्स लाइक शुगर क्रेन पर ग्रो करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हाईवे नितिन गडकरी ने टारगेट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन कितने लाख करोड़ का सेट किया है आने वाले दो सालों के लिए उत्तर है इसका कि ये जो टारगेट सेट किया गया ये पंद्रह लाख करोड़ का सेट किया गया है तो 15 लाख करोड़ का ये टारगेट सेट किया गया है ये यु, इंडो यूएस पार्टनरशिप विजन को एड्रेस करते हुए नितिन गडकरी जी ने बताया इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट परमिट कर रही है हंड्रेड परसेंट एफडीआई इन रोड सेक्टर किस कंपनी ने साइन किया है सोलर पावर परचेज एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू डेवलप फाइव मेगावाट ऑफ ब्लैंड विंड प्रोजेक्ट काइंडली अपना आंसर बताएं आंसर है इसका जेएसडब्ल्यू रिनी एनर्जी तो इन्होंने साइन किया ये होली ओन सब्सिडी है जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी की साइन किया पावर परचेज एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू डेवलप डेवेलप फाइव फोर्टी मेगावॉट ऑफ ब्लैंड जेसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी हंड्रेड परसेंट सब्सिडी है मुंबई बेस्ड पावर प्रोड्यूसर जेएसडब्ल्यू एनर्जी की पर द रिसेंट अंकटैड रिपोर्ट ऑनलाइन सेल्स कितने परसेंट अकाउंट हुई है ओवरऑल रिटेल सेल इन दो उत्तर है इसका उन्नीस तो ऑनलाइन सेल्स ने ऑलमोस्ट पाँच पांच हिस्सा ले लिया रिटेल टर्न का क्योंकि लॉकडाउन बहुत हो गया था तो लोगों ने घरों पर ही मंगवाया है ये यू की रिपोर्ट आई है यंग ट्रैड की उन्होंने इसमें कहा है तीन परसेंट का जंप लिया गोल्डमैन साइज ने रिवाइज किया इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 टू टू हाउ मेनी परसेंट फ्रॉम 11.7 उत्तर एस का अलेवन परसेंट किया है क्योंकि पहले लोगों को लगा कि इंडिया ने जीत लिया है कोरोना युद्ध लेकिन फिर बाद में पता लगा कि हवा टाइट ही है यहाँ पर सरकार ने पूरी फैसिलिटीज नहीं की थी चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो तो सेंटर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो 11.1 परसेंट इन्होंने वापस अपना रिवाइज कर लिया ये इसलिए हुआ क्योंकि देख सकते हैं आप कि क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है नेशन को लगाने पड़ रहे हैं किस इंडियन शिप ने रीच किया है टू ब्रिंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उत्तर है इसका आई कोलकाता ने रीच किया है टू ब्रिंग लिक्विफाइड ऑक्सीजन ये फोर्टी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दो सौ बॉटल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ला रही हैं वहां से कतर धोहा से किस कंट्री ने डिक्लेयर किया एंड ऑफ ट्वेल्थ इबोला आउटब्रेक इन द कंट्री उत्तर है इसका ये डिक्लेयर किया कॉन्गो ने तो इन्होंने इबोला आउटब्रेक हुआ था इन्होंने कहा है कि ये खत्म हो चुका है कंट्री के अंदर किस कंट्री को इनवाइट किया गया है टू अटेंड द जी सेवन सम्मिट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन कॉनवाल फ्रॉम जून इलेवन टू तेरह एज अ गेस्ट बाई यूनाइटेड किंगडम तो जी सेवन समिट सेवन मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का समिट है तो इंडिया को इसमें इन्वाइट किया गया है यू द्वारा और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एट द मीटिंग ये आप देख सकते हैं ये फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है और दो साल में होती है ये टू बी हेल्ड इन लंडन यहाँ पर हम दो मिनट का ब्रेक लेंगे ये सिक्स मे के आपके यानी कि आज के ही करंट अफेयर अब चल जाएंगे दो मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं सो स्टार्ट करते हैं यहीं पे विच फ्लैग ऑफ किया फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल उत्तर है इसका कि ये स्टार्ट किया गया है बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी तो उन्होंने ये स्टार्ट किया है और फ्लैग ऑफ किया यूको यूज कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लैंडेड डीजल अंडर यू आई स्कीम फ्रॉम इंडियन ऑयल थ्री तलन टर्मिनल ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हाउ मेनी साइट्स फॉर सेटिंग अप एडिशनल प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट इन वेरियस स्टेट उत्तर है ऐसा कि ये कहीं पे भी नहीं ये 581 है फाइव एटी वन साइट जो हैं इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं फॉर सेटिंग अप एडिशनल प्रेशर स्विंग ऑब्जॉर् मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स इन वेरियस स्टेट एन जो है ये नोडल एजेंसी होंगी फॉर एग्जीक्यूटिंग सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क फॉर दिस प्लांट्स वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व हुआ है कौन सी डेट को उत्तर बताएं सो वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे जो है वो ऑब्जर्व होता है हर साल पांच मई को पाँच मई को ऑब्जर्व किया जाता है बे कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगजी स्पीकिंग कंट्रीज ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफिशियल पार्टनरशिप में यूनेस्को के साथ इसे 2000 सन से मनवाती हैं तो वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे है ये फोर्टीथ सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया कि वो प्रोक्लेम करेंगे पांच मई ऑफ ईच ईयर एज वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू सेलेक्ट एसार स्टील एज अ जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर सेटिंग अप अ थ्री मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी स्टील प्लांट इन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर है इसका ये किया गया है कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसे किया गया है सेट स्टेट कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन इसका कैंसिल कर दिया था जहां पर लिबर्टी स्टील के साथ इंडिया एज ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी अभी कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप किया जाएगा विद एसआर स्टील वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व होता है कौन से दिन को उत्तर बताइए उत्तर ऐसा कि वर्ल्ड हाईड हाइजीन डे होता है मे पांच को ऑब्जर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि अब देखिए कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक की वजह से हाथ धोने की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें पता लग रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस दिन का जो एम है वो है कि साथ लाएँ लोगों को इन सपोर्ट ऑफ हैंड हाइजीन इंप्रूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड किसको मिला है यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर एंड फाउंडर ऑफ द सेवन फंड फॉर यूनिसेफ एंड इज गोइंग टू लीड ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव तो कौन इसमें से लीड करने वाला है तो ये सेवन फंड है फाउंडर के फॉर यूनिसेफ और ये लीड भी करेंगे अब यूनिसेफ की गुडविल ये ड्राइव जो है वैक्सीनेशन ड्राइव उत्तर है इसका डेविड बेकम तो डेविड बेकम ये लीड करने वाले हैं इन्होंने कहा है कि ये जो फैमिलीज़ uh, हैं ये अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं अगेंस्ट मीजल्स पोलियो डेपेथेरिया और ये फ्रंट ग्लोबल इनिशिएटिव है जो सेवन फ्रंट फॉर यूनिसेफ है ताकि वैक्सीन्स में वैक्षिन्स जो लोगों का विश्वास हुआ पाए पेरेंट्स को इनक्रेज कर पाए हैं वैक्सीनेशन देने के लिए अगेंस्ट एडी डिजीजेस इंटरनेशनल डे फॉर मिड वाइफ ट्वेंटी ऑब्जर्व हुआ है कौन से दिन को तो ये उत्तर हुआ है ये हुआ है मे पाँच को ऑब्ज़र्व राइट right? ये मिड वाइफ जो होती हैं दाइयाँ जिन्हें कहते हैं जो बच्चे कराने में हेल्प करती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकोगनाइज करता है किसने अनाउंस किया है हर न्यू बुक टाइटल एफ चिल्ड्रंस बुक बेंच तो उत्तर है इसका ये द बुक बेंच रिलीज की गई है मेगन मार्कल द्वारा वापस कंट्रोवर्सीज में ही ये बुक बिकॉज इन्होंने अपने बेटे और प्रिंस हैरी के रिलेशनशिप पे लिखी थी लेकिन इन्हें कहा गया है कि इन्होंने ये बुक चुराई है फ्राम ऑरिजिनल ऑथर इस बुक के हैं कोर एवरेसिस और बॉय एंड बेंच उनकी जो बुक है इसमें से इन्होंने अपना कंटेंट चुराया है नेम द वुमन वॉज नोन फॉर अ रोल ऑफ द वेल्दी विडो इन स्टील मैग्नोलियस जो पास अवे हो गए रिसेंटली उत्तर है इसका ये जो पास अवे हुई हैं इनका नाम है ओलंपिया दुकाकिस तो ओलंपिया दुकास जानी जाती थी वेल्दी विडो इन स्टील मैग्नोलिस और वो एटी नाइन ईयर्स में से उनकी जो मृत्यु हो गई है किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू लॉन्च सी एल ए पी स्कीम बाई जुलाई आठ दो हज़ार इक्कीस उत्तर है इसका क्लीन आंध्र प्रदेश स्कीम तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्लीन आंध्र प्रदेश जगन आनंद स्वच्छा संकल्प प्रोग्राम जुलाई आठ को ये बर्थ एनिवर्सरी मनाता है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाई एफ राजेखर रेड्डी की फर्स्ट इलेक्ट्रेड ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड ट्रेसिड इंस्टीट्यूट में ये कौन से स्टेट में है उत्तर है कि ये जो है ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर तो मध्य प्रदेश के बुधनी के अंदर ये सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है ये फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टिकल इन द इंस्टीट्यूट है तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ने रिसीव की थी एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अंडर कॉन्फिडेंशियल टेस्ट इनिशियली और इसे इंस्टीट्यूट में से ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे चलते हैं According to Special 301 report, which country has been put in priority watch list? Special 301 report जो है वो IP list लिस्ट है आईपी से रिलेटेड रेगुलेशन से लिस्ट है जो यूएस निकालता है तो इसमें इंडिया को डाला गया है इंडिया के साथ और जो कंट्रीज हैं वो अर्जेंटीना चिली चाइना इंडोनेशिया रशिया सऊदी अरेबिया यूक्रेन और वेनेजुएला इसके अंदर जो बात है एडिक्वेसी और एडिक्वेशनेस यूएस ट्रेडिंग पार्टनर के प्रोटेक्शन की डिस्कस होती है तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है ऑन टैप इक्विडिटी विंडो कितने साल का विथ थ्री ईयर ऑफ मेच्यूरिटी एंड रेपो रेट टिल मार्च इकतीस दो हजार बाईस अंडर द प्रायरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन लैंडिंग एंड अलाउड बैंक टू लैंड अंडर दिस स्कीम तो ये किया गया है पचास हजार करोड़ का राइट right? तो ये सेकंड वेव के साथ टैकल करने के लिए ये मेजर्स निकाले हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने किस फार्म इमर्ज हुई है एज अ स्ट्रॉगेस्ट एंड द टेंथ मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ग्लोबल ब्रांड ग्लोबली सो उत्तर है इसका काइंडली अपना आंसर बताएं उत्तर है इसका लाइफ इंश्योरेंस कॉपोरेशन तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोन इमर्ज हुई है स्ट्रॉगेस्ट और टेंथ मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ग्लोबल ब्रांड ग्लोबली ये लंडन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट में बनाया राइट विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्वेंटी उत्तर है इसका ये बुक जंगल किराय को ये गया है फिल्म को अवार्ड ये जंगल किराए स्टोरी है बारह स्टूडेंट्स की जो कि जीतते हैं जूनियर रगबी टूर्नामेंट हेल्ड इनके वो है पहली मैंने बताया था फेसबुक ने लॉन्च किया यह वैक्सीन फाइंडर टूल फेसबुक ने इसके अलावा अनाउंस किया दस मिलियन डॉलर यानी कि चौहत्तर करोड़ का ग्रांट फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एफर्ट फॉर कोविड नाइनटीन सिचुएशन इन द कंट्री ये वैक्सीन ट्रैकर टूल जो है ये अलाउ करेगा फेसबुक के यूजर्स को ताकि वो वैक्सीन सेंटर लोकेशन पास में लोकेट कर सकें और ये शेयर करा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है न्यू टाइप ऑफ यूरेनियम दैट इज लाइटेस्ट एवर नोन इस यूरेनियम का नाम क्या है उत्तर है इसका 214. So, यूरेनियम दो सो यूरेनियम दो सौ ये आइसोटोप और वेरियंट ऑफ द एलिमेंट है तीस मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटोन है इसके अंदर और वन फ्योर न्यूट्रॉन है देन द नेक्स्ट लाइटेस्ट नोन यूरेनियम आइसोटोप ठीक है तो न्यूट्रॉन के एक कम है और 30 न्यूट्रॉन जो, जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन तो किस फाउंडेशन ने पार्टनर किया है विद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीड्स टू लॉन्च ए कम्युनिटी कोविड नाइनटीन वैक्सीन ड्राइव एंड सेटअप कोविड केयर सेंटर उत्तर है इसका कि ये फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया है पेप्सिको फाउंडेशन ने अंडर दिस पार्टनरशिप एक लाख वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड की जाएंगी कम्युनिटीज़ को जो कि एडमिनिस्टर की जाएंगी लोकल हेल्थ केयर सिस्टम द्वारा वेर एस फाइव कोविड केयर सेंटर सेटअप किए जाएंगे थ्री मंथ्स के लिए जो बेड और मेडिकल फैसिलिटीज से लबरेज होंगे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो हेड करते हैं उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है स्ट्रैटेजिक डिसइनवेस्टमेंट का विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल कौन से बैंक में उत्तर है इसका कि ये जो स्ट्रेटेजिक डिसइनवेस्टमेंट होगी ये आई टी बी आई बैंक लिमिटेड में होगी और इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल भी चला जाएगा आईडीबीआई बैंक का विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ने कमिट किया एडिशनल 200 करोड़ टू सपोर्ट कोविड 19 रिलीफ मेजर इन इंडिया उत्तर है इसका कि ये किया गया है सिटी बैंक द्वारा तो सिटी बैंक ने ये दो करोड़ एड जो है कोविड रिलीफ एफर्ट्स के लिए दी है इन्होंने कहा है कि पचहत्तर करोड़ एलोकेट किए जाएंगे इमीडिएट मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के अंदर और ये 200 करोड़ जो है ये तीन फाइनेंशियल ईयर तक दिए जाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज रोहित शर्मा आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हम मॉकडिल आर्ट के साथ जल्द ही मिलेंगे ऑफ मार्च